नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। भिलाई की शिवनाथ नदी में दो छात्र डूबे। स्कूल से बंक मारकर नहाने गए थे तीन दोस्त, दो गहरे पानी में फंसे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश। भिलाई में मंगलवार को दो छात्र नदी में डूब गए। दोनों छात्र स्कूल से बंक मारकर अपने एक अन्य दोस्त के साथ नहाने के लिए शिवनाथ नदी में गए थे। आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस ने एक का शव बरामद कर लिया है, लेकिन दूसरे का अभी तक पता नहीं चल सका है। मामला रिसाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा सेक्टर इस्पात क्लब के पास रहने वाला आदर्श चंद्राकर 17 वर्ष, पुत्र दिनेश चंद्राकर गार्डन चौक निवासी तौसीफ अंसारी 17 वर्ष, पुत्र मुर्शीद आलम और रुआ बांधा निवासी आयुष शांडिल्य 17 वर्ष, पुत्र हैरम शांडिल्य तीनों अलग अलग स्कूलों में 11वीं क्लास के छात्र हैं और दोस्त हैं। तीनों दोस्त मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल से बंक मारकर नहाने के लिए शिवनाथ नदी में गए थे। तीनों नहाने के लिए नदी में उतरे थे कि आदर्श और आयुष गहरे पानी में फंस गए। उन्हें डूबता देख पहले तौसीफ ने बचाने का प्रयास किया, फिर आसपास के लोगों से मदद मांगी। इससे पहले कि लोग पहुंचते, दोनों छात्र नदी में बह गए। पुलिस ने शाम करीब 4 बजे आयुष का शव बरामद कर लिया है, जबकि आदर्श की तलाश की जा रही है।